बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतना खूबसूरत यहाँ पे मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बारिश हो रही है, फुल ये चीज़ें जा रही हैं। ऊपर देखिए आप, नज़र आ रही है कि नहीं, यहाँ पूरी बारिश हो रही है और ये आप देख सकते हैं। और मैंने इस बारिश में सोचा कि बारिश का मौसम हो और क्यों ना ऐसे मौसम में हम अभी हल्की हल्की ही रुकी है ज़रा, तो मैं बाहर निकली हूँ। वरना इतनी तेज़ थी कि आप बाहर भी नहीं निकल सक रहे थे, आपको आगे का भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये देखिए आप, सारी सड़कें गीली, सब गीला, ये सब हमारा मैदान है, छत से हमारे सब नज़र आता है। और जी मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इस मौसम में पकौड़े खाने का दिल जाता है, समोसे खाने का दिल जाता है। मैंने कहा इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, तो क्यों ना हम इस खूबसूरत से मौसम में कचौरी बनाएं। जी तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको चिकन तंदूरी कचौरी बनाना सिखाती हूँ। मुझे बड़ी पसंद आती है, मेरे वहाँ चिकन बहुत खाते हैं। कीमा कचौरी भी आपने सुनी होगी, आलू कचौरी भी सुनी होगी, दाल कचौरी तो सभी खाते हैं, लेकिन आज मैं चिकन तंदूरी कचौरी बना रही हूँ स्पेशल मौसम के लिए। चले चलते अपनी रेसिपी की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम, आज मैं तंदूरी कचौरी का बता रही हूँ। तो कैसा चिकन हमने लिया है, ठीक है, 200 ग्राम चिकन ले लीजिएगा आप। 1 टीस्पून मैंने सिरका डाला है इसमें, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके, और 1 टीस्पून मैं तंदूरी मसाला, तकरीबन तंदूरी मसाला में वन एंड हाफ टीस्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है। और क्योंकि मैंने तंदूरी मसाला लिया है, कोई भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए आप, तो मैं इसमें सॉल्ट नहीं डाल रही, ओके। और अब मैं इसमें इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। हमने इसमें वेनेगर डाला, जिंजर गार्लिक डाला, तंदूरी मसाला डाला, योगर्ट नहीं डाल रही हूँ मैं। ड्राई ड्राई सा हमारी कचौरी होती है, डिफरेंस ही होती है और बड़ी मज़े की लगती है। और अच्छा आप कीमा भी बना सकते हैं इसको, मैंने मोटा मोटा किया क्योंकि मेरे घर में चिकन कीमा या कीमा को इतना पसंद नहीं करते हैं मेरे बच्ची और मैं भी, तो हम लोग थोड़ी मोटी मोटी बोटी मुँह में आना पसंद करते हैं। तो इसको आपने ऐसे मैरिनेट कर लिया और इसको मैं ओवरनाइट के लिए जो है रख दूँगी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ये ओवरनाइट के बाद हम सुबह बनाएंगे इसकी कचौरी नाश्ते। क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी क्वेश्चन पूछिए आप। ओके सो व्हाई डिडंट वी, हमने योगर्ट क्यों नहीं डाला इसमें, और हमने सॉल्ट क्यों नहीं डाला? सॉल्ट इसलिए नहीं डाला कि हमने पैकेट का तंदूरी मसाला यूज़ किया है, तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिक्स था। गुड क्वेश्चन। और योगर्ट हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमें ड्राई ड्राई चाहिए कचौरी के अंदर, हमारे मुंह में ड्राई है, योगर्ट थोड़ा सा गीला गीला कर देगा, तो इसलिए मैंने योगर्ट नहीं डाला। आप सिरका और वेनेगर या लेमन जूस डाल सकते हैं इसमें, और फिर हम इसमें हरी मिर्चें प्याज भी डालेंगे जब हम इसको बना लेंगे। अभी हम मैरिनेट। अच्छा ये जो आपने गार्लिक सॉस डाला, ये इससे कोई और डाल सकता है, जैसे किसी पर किसी के पास गार्लिक डाल सकते हैं, फ्रेश गार्लिक डाल सकते हैं, गार्लिक पेस्ट क्रश करके, या फिर हम पाउडर डाल सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। अब आगे हम कचौरी की तरफ। ये 1 कप मैदा, 2 कप मैदा डलेगा इसके अंदर, ओके। 2 कप मैदा डल गया हमारा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया आपने, ठीक है। इसको मिक्स कर लीजिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और अब 3 से 4 टेबलस्पून घी डलेगा, 3 से 4 टेबलस्पून, ठीक है। 1, 2, 3 and 4, ठीक है। हमने इसको मिक्स कर लिया, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, ओके। फिर हम पानी डालेंगे, ये इसकी ऐसी फॉर्म आनी चाहिए, ये देखिए, ठीक है। तो फिर अब हम थोड़ा पानी डाल के भून देंगे, ये फॉर्म आनी चाहिए। लुक, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी भूनने, गिव्स इनफ वाटर, मैं इसको गूंदूँ अच्छे से। इनफ पानी है, 1/3 कप मेरा हिसाब से तो पानी डलता है इसमें बस। अच्छा जी, और ये गुन गया है, अब आपने इसको 30 मिनट का रेस्ट देना, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमने यहाँ पे टू टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, और उसके अंदर मैं ये अपनी चिकन जो मैरिनेट की थी रात में वो डाल दें।
वन स्मॉल अनियन चॉप करके डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें हरा धनिया डाल देंगे, थ्री टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डालना है और उसके अंदर ये घी डाल देना तीन ही टेबल स्पून और इसको मिक्स कर देंगे। ओके, ये हमने बेली, ये इसके अंदर हमने ये वाला जो लई लगाई बनाई थी ये लगाई, ठीक है। ऐसे करके पूरा स्प्रेड कर देनी आपने लई अच्छे से। इसके बाद इसको बंद करना है, ऐसे बंद करना है आपने फोल्ड। अब मैं इसको बेलूंगी, इसके अंदर फिर वो बैटर चकोर बना के आपने रोटी को अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद ये देखें आप, इसमें हमने चिकन भरी और एक ऐसा आपने ज्वाइन करना है यहाँ से, फिर यहाँ से आपने ज्वाइन करना है, फोर हिस्सों में ज्वाइन करें, वन टू थ्री, थ्री हिस्सों में ज्वाइन किया हमने। ये देखें आप इस तरह ज्वाइन करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ, आई होप कि सही नज़र आ रहा हो, ठीक है। इसके बाद ये आपने ऐसी शेप बन जाएगी। अब इसको ट्विस्ट देना है, ये दो को पकड़ा, थोड़ा सा यूँ करा, इधर इधर दो, इधर तीसरा, और ये पकड़ के आपने ऐसे घुमा दिया, ट्विस्ट देना और हाथ से हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है। ज़ोर से नहीं, हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा फैला लेना है, ये बिल्कुल लॉक हो गई है ताकि अंदर पानी ना जाए, अंदर लेयर्स बन जाते हैं। एंड देन आपने इसे डीप फ्राई करना है लो फ्लेम पे, लो फ्लेम पे आप इसे डीप फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट, ठीक है। तो उसमें ऐसे पे ये पक जाएगी और मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ, बेहतरीन कचौरी तैयार है। ये देखिए कोई भी चटनी के साथ हम इंजॉय करें।